अस्सलाम वालेकुम। आज आज की वीडियो में कोट का चाक बनाना दिखाएंगे, क्योंकि चाक मैं बना चुका था, वीडियो भी किया था, लेकिन किसी वजह से वीडियो मेरे हाथ से डिलीट हो गया। तो मैं फिर से इसको खोल के फिर से बनाना दिखा रहे हैं। तो यह सामना पल्ला है, मेरा पैंची दो। इनके सामना पल्ला है, ये मार्क भी हम लगा चुके हैं। ये मार्क के हिसाब से सिलाई रहेगा और यहाँ इतना तैयारी रहेगा, यहाँ पर दूसरा पल्ला ऐसे रहेगी। और यहाँ पे लाइट का कमी है, इसके वजह से मैं छोटा लाइट भी लगा रखा हूँ, क्योंकि मैं घूमने के लिए इधर आया था दरगाह के इधर, तो एक डिज़ाइन मुझे ये दिख गई थी, मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा पहले बना लेता हूँ, फिर दिमाग से उतर जाएगी तो फिर भूल जाएंगे। तो ये जो है ना, यहाँ पे जो मैं पहले इसे फोल्ड कर रखा हूँ, तो हम इसको इस तरह यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। ये जो कपड़ा फोल्ड है, ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड को हम इतना फोल्ड कर लेंगे। इसको यहाँ से हम ऐसे पकड़ लेंगे और पलटी कर लेंगे। ये जो फोल्ड जहाँ पे टूटा हुआ था वहीं पे टूटी। अब ये बैक पल्ला लेंगे, ये हमारा जो बैक पल्ला है, यहाँ से हम इस तरह बैठा लेंगे। थोड़ा इसको नीचे करेंगे, ये जो मार्क है, यहाँ पे मार्क है, मार्क के पास ये कपड़ा रखेंगे। एक पल्ला हम इस तरह अस्तर को साइड कर लेंगे। थोड़ा क्रॉस लेंगे और ये कपड़ा कम के वजह से मैं यहाँ पे ज्वाइंट मारा हूँ, क्योंकि कपड़ा काफ़ी कम था, इसकी वजह से ज्वाइंट मारना पड़ गई थी। तो हम ऐसे पलट करके देख लेंगे कि हमारा सिलाई सही लगी है कि नहीं। तो सिलाई सही लगी है, अभी यहाँ से इतना फोल्ड हो जाएगी इस तरह, ये देखिए इस तरह फोल्ड हो जाएगी। इसमें भी चटका कहीं पे लगी है शायद, ये देखिए। तो हम पहले नीचे नाप करके देख लेंगे, पहले अस्तर को बराबर कर लेते हैं और यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे। क्योंकि यहाँ से इतना क्रॉस करेंगे,
ये चाक पट्टी रहे तो ये अस्तर को थोड़ा छाटना पड़ता है, चाक को फोल्ड करके बैठा के और देखना पड़ता है कि हमको मार्जिन कितना चाहिए, मार्जिन के हिसाब से कपड़ा रख के बाकी कपड़ा को यहाँ वेस्ट तक इसको क्रॉस करके छाटना पड़ता है। तो मैं इस पर पूरा वीडियो बनाया था और वीडियो डिलीट हो गया था, मैं मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रही है। अब ये यहाँ से है मेन पल्ला, हम अटैच कर देंगे यहाँ पे जो चटका मारे हैं, यहाँ से मेन पल्ला अटैच करेंगे, यहाँ तक अस्तर अटैच रहेगी। अब इसको हम पलट करके देख लेंगे। ये देखिए एक बार चेक कर लेंगे कहीं यहाँ अंदर में रिंकल ना आए। तो ये साइड का मैं पहले ही बना चुका हूँ, ये साइड का अब बनाया है, ये देखिए रिंकल नहीं आ रहा है। आप सिर्फ प्रेस से इसको फोल्ड करना है। ये अंदर वाला आयरन बाद में मारेंगे, पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। बाहर है तो ये मारक चौक से हम इसको मार्क लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे। ये साइड का थोड़ा सा ज़्यादा, ये साइड का थोड़ा फोल्ड अंदर करेंगे।